नमस्कार। जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिलेगा। तो शुरुआत इस बार मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा कि मसाला कॉम्प्लेक्स में हल्दी में 8000 के नीचे के लेवल दिखे, हालांकि जो हफ्ते का क्लोज आया है वो 8200 के ऊपर देखने मिला है। तो इसके साथ ही जो पिछले हफ्ते हमने मंदी की बात की थी और लगभग 7900-950 तक के लेवल देखने की बात की थी, वो पूरा हुआ है और उसके बाद हमने एक उछाल भी देखा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हल्दी में ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है या एक रिकवरी है, ये जारी रहेगी। और क्योंकि सपोर्ट से ही मार्केट जो है वो पलटा है, तो अपसाइड में हमें 8400 से 420 तक के स्तर देखने मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी डिप आती है यहाँ से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हल्दी वायदा में बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं धनिया में भी हमने देखा कि एक गिरावट का रुख देखने मिला, जहां पर 11500 के नीचे के स्तर भी देखे गए। हालांकि हफ्ते का क्लोज जो है 11600 के करीब ही दिया है। जो लोज हैं वो 11200 के करीब थे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर है। तो ऐसा लगता है कि हल्दी के साथ धनिया में भी एक शॉर्ट कवरिंग का रुझान देखने मिलेगा। और हमने लगातार 13400 से पिछले एक महीने में गिरावट देखी है। ऐसा लगता है कि एक स्थिरता यहाँ पर देखने मिल सकती है और 11200 से 300 के करीब मुझे नहीं लगता उसके नीचे ज़्यादा प्राइजेस जा पाएंगे और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिलेगा। तो आने वाले हफ्ते में यहाँ पर भी तेज़ी का रुझान रहने की उम्मीद है और 11850 तक के स्तर देखने मिलेंगे। डिप बाइंग एडवाइजेबल है। इमीडिएट तौर पे 11350 का एक लेवल है जहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और 11200 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। वहीं जीरे में हमने एक साइडवेज का कारोबार आते हुए देखा, जहां पर एक मिला जुला कारोबार देखा गया। जो हफ्ते की शुरुआत थी वो तेज़ी के साथ हुई थी, 22400 के ऊपर के स्तर देखे गए। हालांकि उसके बाद एक बड़ी करेक्शन हमने देखी 21600 तक। हफ्ते का जो क्लोज़ है वो 22000 के करीब प्राइस देने में कामयाब हुई हैं। ऐसा लगता है कि जो रिसेंट लो है वो होल्ड कर जाएगा और फिर से हमें तेज़ी की एक दिशा देखने मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूँगा वंस अगेन, और 22400 जो हमने रिसेंटली हाइज देखे थे वो दोबारा देखने मिल सकते हैं जीरे में भी। तो पूरे ही मसाला कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं एक तेज़ी का रुझान हो सकता है। हालांकि इसके पहले हल्दी और धनिया में हमें करेक्शन देखी गई थी, तो वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जबकि जीरे में जो पिछली तेज़ी है वो दोबारा रिज्यूम हो सकती है या दोबारा जो है कंटिन्यू हो सकती है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक छोटा सा दायरा देखने मिला है और कुछ समय तक ये दायरा रहेगा, जो दायरा 5800 से लेकर 6500 का होगा। क्योंकि हम इस दायरे के निचले स्तरों के करीब है, तो यहाँ से अपसाइड एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर एक हफ्ते की बात करें तो 6200 तक के स्तर ग्वार सीड में और करीबन 12200 तक के स्तर ग्वार गम में हमें देखने मिल सकते हैं। और जो बड़ा दायरा है, जैसे मैंने बताया 5800 से 6500 का, हो सकता है हमें नेक्स्ट एक महीने तक ग्वार सीड में देखने मिले। वहीं ग्वार गम में जो बड़ा दायरा है वो 11300 से लेकर 12800 से 13000 तक का होगा। हम इस दायरे के लोअर एंड पे है, तो यहाँ से 12200 से 12300 तक अगले हफ्ते तक जाने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर अगर M6 कॉटन की बात करूं तो जो भी टारगेट पहले हमने दिए थे 48500 और उसके बाद 50200, तो दोनों ही लक्ष्य जो हैं हासिल हो गए हैं। 48500 हमने पिछले हफ्ते ही देखा था, उसके बाद तेज़ी कंटिन्यू होकर हमने लगभग 50200 का जो लक्ष्य है वो भी हासिल होते हुए देखा है, जिसके बाद एक बड़ी करेक्शन देखने मिली है। हालांकि इतना ज़रूर कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी अभी जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है वो टाइट है और ऐसा लगता है कि ये जो फॉल है, यानी जो 47500 के करीब तक का एक करेक्शन देखा गया है M6 कॉटन में, वो एक करेक्शन ही है और इसके बाद हम दोबारा नए हाइस देख पाएंगे। इसी वजह से अगर 47500 से 600 के करीब अगर दोबारा प्राइसेस दिखती हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। हालांकि इसके पहले भी जिस तरह मैं कह चुका हूं कि प्राइसेस क्योंकि काफ़ी ऊपरी स्तरों पे हैं, तो यहां पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस एटलीस्ट 46700 के नीचे का होगा, 47600 के करीब बाइंग की जा सकती है, लेकिन दोबारा 50000 से 50200 तक जाने की संभावना M6 कॉटन दिखा रही है प्राइसेस। वहीं पर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो फिलहाल बिनौला खल में हमने एक दायरे का कारोबार देखा है और ये एक निचला दायरा मैं कहूँगा, क्योंकि 3000 के ऊपर फिलहाल काफ़ी समय से प्राइजेज नहीं जा पा रही हैं और टाउन साइड में 2750 से 2800 तक के हमें सपोर्ट भी देखने मिले हैं।
एक हफ्ते की ही बात करूं अगर, तो ऐसा लगता है कि 2920 से 2930 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे, जिसे हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव कह सकते हैं। हालांकि ओवरऑल जब तक 3100 के ऊपर दोबारा प्राइसेस नहीं जा पाती तब तक जो ओवरऑल एक बायस रहेगा या एक टेंडेंसी रहेगी प्राइस की, वो उछाल पे बिकवाली की रह सकती है और दोबारा हम 2750 के लेवल छू सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते के लिहाज से मैं कहूँगा कि तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। वहीं पर जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल प्राइसेस को अपने उच्चतम स्तरों से फिसलते हुए देखा और 1625 से लगभग फिसलते हुए 1560 के करीब की क्लोजिंग देखी गई है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक, यानी कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक हमें एक सेल ऑन रैलीज या उछाल पे बिकवाली का दौर देखने मिलेगा, जहाँ पर दाम जो है वो 1535 से 30 तक भी आ सकते हैं। तो यहाँ से करीबन 2 से 2.5% की और गिरावट मैं समझता हूँ कि हमें रिफाइंड ऑयल में देखने मिलेगी। वहीं सोयाबीन में हालांकि 7100 का बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, जिसके नीचे मैं नहीं जाता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन 7100 के काफ़ी करीब सोयाबीन के प्राइस देख सकते हैं, जहाँ से दोबारा जो तेज़ी है रिज्यूम होकर 7700 से 800 तक हमें नेक्स्ट एक महीने के लिहाज से देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं M6 मेंथा ऑयल की बात करूँ, तो मेंथा ऑयल में भी हमने एक बड़े से दायरे का कारोबार देखा है और ये दायरा लगभग 1070 से लेकर 1140 का रहा है। ये दायरा कुछ समय और चलेगा, हालांकि जो पहला रुझान रहेगा वो निचले तरफ रहेगा, यानी 1070 के लेवल हमें देखने मिलेंगे, जिसके बाद दोबारा एक उछाल देखने मिल सकता है। तो पहला रुझान नीचे की तरफ है, इसलिए बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन 1070 के करीब जो निवेशक हैं दोबारा बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर नॉन एग्री कमोडिटीज़ या कृषि फसलें हैं उनमें आने वाले कुछ दिनों में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।